देवघर जिले में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या स्तर है उसको जानने के लिए आज हम जिले के देवीपुर प्रखंड अंतर्गत कांसीडी गांव में पहुंचे हैं और यहाँ ये कांसीडी का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। यहाँ तमाम बच्चे देखे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। उपस्थिति यहाँ नगण्य है, महज कुछ ही यहाँ पर बच्चे हैं, गिने चुने बच्चे हैं। मुझे लगता है कि 10-12 यहाँ बच्चे हैं। क्लास ये 7 है, कौन सा क्लास है ये बेटा? ये 7। ये बताओ कि यहाँ पढ़ाई में तुम लोगों को मन लगता है या नहीं लगता है, ये बताओ। जी। किस क्लास में तुम पढ़ रहे हो? 7 में। क्या नाम हुआ तुम्हारा? उमेश कुमार यादव। ये बताओ कि झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तुम बताओ क्या नाम है झारखंड के मुख्यमंत्री का? श्री द्रौपदी मुर्मू। जोर से बोलो बेटा, क्या नाम है? नहीं पता। चलिए, दो बच्चों से मैंने पूछा है और अभी तक इसे नहीं पता है। तुम बताओ बच्चे कि झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री रघुवर दा। चलो ठीक है सर, आप ना बताएं, बच्चों से अगर हम बात कर लें। बेटा ये बताओ कि ना मुख्यमंत्री का नाम क्या है झारखंड का? नहीं पता? नहीं। अच्छा नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। तुम बताओ मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। तुम बताओ क्या नाम है? श्री रघुवर दास। तुम बताओ कि क्या नाम है मुख्यमंत्री का? श्री रघुवर दास। आप ये देखें, ये कक्षा 7 है, 7th क्लास है, और 7th क्लास के 7th और 8th भी दोनों बैठते हैं इसमें। तुम किस क्लास में हो? 8th। 8th में। इसमें 7 और 8 दोनों के बच्चे जो है एक ही कमरे में बैठते हैं। और हालत, अब शिक्षा का स्तर खुद देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम आधे से अधिक बच्चों को पता नहीं है। यानी कि क्या शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है, ये सोचने वाली बात है। और भी बच्चे हैं, मैं उनके पास भी चलता हूँ। बाबू तुम किस क्लास में हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में। क्या नाम हुआ तुम्हारा? संजय कुमार दास। मुख्यमंत्री का नाम क्या है झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम? श्री रघुवर दास। प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। तुम ये बताओ कि यहाँ जो पढ़ाई होती है वो कितना अच्छा हो पाता है, तुमको मन लग पाता है कि लगता है कि और बेहतर पढ़ाई की ज़रूरत है यहाँ पे? अच्छा पढ़ाई होता है, मन भी लगता है यहाँ। मन लगता है। खाना पीना मिलता है यहाँ पे? जी खाना पीना मिलता है। अभी गैस ख़त्म हो गया इसलिए नहीं बन रहा है। गैस ख़त्म हो गया तो खाना नहीं बन रहा है, तो आज क्या खाओगे? आज ला देगा नाश्ता वगैरह, ला देगा वही खाएंगे। नाश्ता जो मिल जाएगा वही खा लोगे? मूढ़ी खिला रहे हैं क्या यहाँ पे आज? हाँ आज मूढ़ी और चना। मूढ़ी और चना चूर। तुम किस क्लास में हो बाबू? 7th में। क्या नाम है तुम्हारा? प्रभु शर्मा। ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? प्रधानमंत्री श्री रघुवर दास। तुम बताओ प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। आप ये देखें, 7वीं और 8वीं क्लास के यहाँ पे छात्र हैं, और शिक्षा का स्तर क्या है जब बच्चे को झारखंड में रहते हैं और बच्चे को झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम ना पता हो, तो आप समझ सकते होंगे शिक्षक यहाँ क्या पढ़ाते हैं। ये इस क्लास का हाल है और अन्य भी क्लासेस हैं, मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ और वहाँ के भी बच्चे का थोड़ा रियलिटी टेस्ट करता हूँ कि उनको शिक्षक जो है किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। अब हम क्लास 5 और 6 में आए हैं और एक ही कक्षा में दो यहाँ भी क्लासेस चलते हैं। आप देखें यहाँ भी इस क्लास में भी उपस्थिति जो कह सकते हैं नगण्य है, महज आप समझे 10-15 जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पे हैं। और इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इनके विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई होती है। सबसे पहले बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ममता कुमारी। पढ़ाई में मन लगता है? जी लगता है। अच्छी बताओ झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री रघुवर दास। प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। तुम बताओ प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? श्री रघुवर दास। चलो तुम बताओ प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? रघुवर दास। तुम बताओ प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? श्रीमती नीरा यादव। नीरा यादव। चलो ओके। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 5th क्लास में। क्या नाम है तुम्हारा? नीलम कुमारी। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं पता। आप देखें पढ़ाई शिक्षा जो किस तरह की दी जा रही है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बच्चे भी आकर पा रहे हैं। तुम बताओ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? चंदन कुमार यादव। प्रधानमंत्री जी का नाम बता सकते हो तुम?
श्रीमती रघुवर दास। श्रीमती रघुवर दास, चलिए ओके। और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम जरा बात करते हैं। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सपना कुमारी। सपना कुमारी, अच्छा ये बताओ प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? नहीं पता, तुम बता दो प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? श्री रघुवर दास। श्री रघुवर दास, चलो तुम्हारा नाम क्या है बेटा? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी, अच्छा किस क्लास में पढ़ती हो? सिक्स। सिक्स में, अच्छा ये बताओ कि मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है झारखंड के? नहीं पता, चल तुम बता दो। रघुवर दास। रघुवर दास, तुम आ बेटा इधर आओ। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? सिक्स में। क्या नाम है तुम्हारा? नंदनी कुमारी। नंदनी कुमारी, प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? श्री रघुवर दास। श्री रघुवर दास, चलो तुम किस क्लास में पढ़ती हो बेटा ये बताओ? फाइव। फाइव में, क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी कुमार। चांदनी कुमार। चांदनी, बहुत अच्छा नाम है। ये बताओ कि झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रघुवर दास। रघुवर। रघुवर दास, अच्छा चलो तुम बताओ प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? अच्छा तुम बताओ प्रधानमंत्री जी का नाम? श्री रघुवर दास। श्री रघुवर दास। शिक्षा का क्या स्तर है ये बयां करने के लिए ये बच्चे ही काफ़ी हैं, और जिस तरह से मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कोई मुकम्मल यहाँ पे व्यवस्था नहीं दिख रही है शिक्षा का। बच्चे जो हैं ऐसे ही हैं और शिक्षक भी इधर उधर घूम रहे हैं। मैं जब आया इस स्कूल में तो शिक्षक को भी नहीं देख पाया, हालांकि अब लग रहा है धीरे धीरे कुछ शिक्षक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब कुछ शिक्षकों से ही हम बात करेंगे, हम आपको आगे भी लिए चलते हैं। अब मैं दूसरे कक्षा में आया हूँ। ये कक्षा कितना, कौन सा क्लास है बेटा ये बताओ? 4-3। 4-3, ये 4-3 है, क्लासरूम है। और चूंकि वक्त जो है मध्याह्न भोजन का हो गया है, तो यहाँ पे मध्याह्न भोजन में बच्चों को क्या दिया जा रहा है आप ये देखें। यहाँ पे ये क्या मिला है बेटा ये बताओ? भुजा दाल, मूढ़ी और मिक्सचर। आप ये देखें बच्चों को जो बातें होती है कि पौष्टिक आहार देने की, लेकिन यहाँ पर मूढ़ी और मिक्सचर यहाँ तमाम बच्चों को जो है आज यहाँ पर दिया जा रहा है। और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि तमाम बच्चे जो है इसी को खा रहे हैं। कितनी पौष्टिक मिल पा रही है ये आप खुद समझ सकते हैं। ये देखें, ये बड़े से इसमें ये महिला जो है ये लेकर के जा रही हैं, तमाम बच्चों को जो है आज का दोपहर का भोजन जो है यही नसीब हो पा रहा है। आप यहाँ क्या रसोइया हैं क्या? हाँ रसोइया हैं। ये बताएं ये मूढ़ी मिक्सचर क्यों दिया जा रहा है आज यहाँ पे? देर वाला मास्टर से ने मुझे अधिक है, हम नहीं की करवा, हमने खाना बनावा इतना दिया ठड़ाई। अच्छा मास्टर यही बोले हैं देने के लिए, इसलिए आप दे रही हैं। हाँ, कल ये तो आज हमने कुछ दलत बचा दे दो कुछ खाना 12 बजे के लिए। अच्छा और कोई व्यवस्था नहीं हुआ तो इसलिए आप लोगों ने कहा देने को? हाँ कुछ दे दो खाना, वैसे हमने कल कुछ खाना बचा दे दो, बचा जाते पड़ी कुरे कैसे। तो क्या हमेशा ऐसे ही मिलता है खाना यहाँ पे बच्चों को? यहाँ रोज नहीं मिले, एक आदमी गए गैस वाई चलते इस टाइम मिलो ले। तो रोज यहाँ क्या मिलता है खाना? सही सही बताइएगा, बच्चों को खाना आप देती हैं, आप बनाती हैं, सही सही आप ये बताइएगा कि क्या बच्चों को आप क्या खाना दे पाती हैं? दाल भात सब्जी रोज मिले, शनिचर दिन खिचड़ी मिले, और कोनो दिन वह शुक्र के सोमवार के फल मिल जाए, कोनो भी अंडा मिल जाए। मिलता है, सच्ची बोल रही है? हाँ सब मिले कभी। तो आज फिर मूढ़ी क्यों खिला रही है? कि आज मास्टर साहब यही दिए हैं। हाँ आज गैस नहीं ले आज मिल ले। चलिए आज गैस नहीं है, जिस तरह से ये रसोईया यहाँ पे हैं और ये बता रही है आज यहाँ गैस नहीं है, इसलिए बच्चों को जो है मूढ़ी और ये मिक्सचर जो है वो दिया जा रहा है। ये बताओ बेटा कि तुम्हें रोज क्या मिलता है यहाँ पर खाने को? दाल भात सब्जी। अच्छा बनता है कि खराब बनता है? अच्छा। अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा तुम किस क्लास में पढ़ती हो? चौथा में पढ़ती हो। क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा कुमारी। सुषमा कुमारी, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम पता है क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी, चलिए आप देख लीजिए शिक्षा का स्तर बयां करने के लिए बच्चे ही काफी हैं, हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी ये भी स्थिति में दिखाया कि आज यहाँ बच्चों को पौष्टिक के नाम पर यहाँ पर ये मूढ़ी और मिक्सचर जो है वो दिया जा रहा है। बहाने कई हैं, गैस नहीं है, जिस तरह से रसोईया यहाँ बता रही है कि गैस यहाँ पर नहीं है, और यही कारण है कि बच्चों को आज जो है ये मूढ़ी और यहाँ पर मिक्सचर दिया जा रहा है। हम आगे आपको लिए चलते हैं और यहाँ जो शिक्षक हैं, अभी तक क्लासरूम में मैं घूम घूम रहा हूँ और शिक्षक किधर हैं पता नहीं चल पा रहा है। शिक्षकों को मैं ढूंढता हूँ, थोड़ा मैं उनसे भी बात करता हूँ। अब हमारे साथ इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, मिले हैं, ये भी मिले हैं। सर शुभ नाम आपका क्या हुआ ये बता, कब से यहाँ पे आप कार्यरत हैं? मेरा नाम तो रामकिशन राम है सर। और कब से यहाँ पे कार्यरत हैं? हम हैं इसी में सर, 2016
16 में है, मार्च में आए हैं, 16 मार्च में। ये कितने बच्चे यहाँ पे हैं आपके स्कूल में? अभी 206 बच्चे हैं सर। तो आज तो मैं देख पा रहा हूँ, सभी को मैं जोड़ लूँ तो समझ में आता है मुझे कि 60-70 बच्चे होंगे आज। नामांकित जैसे 206 है उसमें आज उपस्थिति कितने बच्चों की है? मुझे तो लगता है कि 50 तक सिमट गए होंगे। वो तो रजिस्टर से नामांकन, हाँ, आज की उपस्थिति देखना। ये बताएं कि कितने शिक्षक कितने हैं यहाँ पे? हैं 5 सर। 5 हैं, पांचों उपस्थित होते हैं हमेशा? आज एक शिक्षक छुट्टी पर हैं। 4 आज आए हैं, 4 शिक्षक आए हैं। एक शिक्षक आ करके फिर कुछ काम से गए। 3 शिक्षक हैं आज। जी हाँ, दो छुट्टी। बच्चों को प्रॉपर वे में पढ़ाते हैं? लगता है सही बोलिए ईमान से कि आपको लगता है कि बच्चों को आप सही शिक्षा दे पा रहे हैं या कोई कमी लग रही है? जहाँ तक जो हो पा रही सर कोशिश रहती है कि कोशिश रहती है कि बच्चों को शिक्षा दे पाए। जी आपके यहाँ के बच्चे को, 8 क्लास के बच्चे को झारखंड के मुख्यमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है सर, क्या कहेंगे आप बताएं सर? आप क्या शिक्षा दे रहे हैं सर? आप ही बोलिए सर, क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये सबसे सिंपल सा मैं क्वेश्चन किया, कठिन भी क्वेश्चन कर सकता था, मैं कठिन क्वेश्चन नहीं किया, मैं महज एकदम सिंपल सा जो बच्चों को पता होगा कि अपने झारखंड के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, जितने बच्चों में पूछा मैं उसमें 75% बच्चे जो है जवाब नहीं दे पाए हैं। तो क्या शिक्षा दे रहे हैं बताएं आप ही? सब चीज़ तो बताया जाता है सर, बीच बीच में हम लोग जब ये इनको याद नहीं है तो और सब चीज़ें कैसे याद होती होगी आप बताएं सर? क्या कुछ कहेंगे? क्या दिक्कत क्या आ रही है ये बताएं आप? दिक्कत आ रही है पढ़ाई में तो वो भी बताएं आप, अपनी बात भी रख सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो देश के रक्षा मंत्री का सर नाम क्या है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री का नाम? वित्त मंत्री। अब देखिए प्रधानाध्यापक है, जब इन्हें ही नहीं पता है तो ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? अब आप ही समझिए कि बच्चों को जो स्कूल माँ बाप इस उद्देश्य से भेजते हैं कि वहाँ पर जाएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, जब शिक्षकों को ही चीज़ें नहीं पता है तो क्या कहा जाए? जितना भी कहा जाए वो कमी होगा। ज़रूरत है कि ऐसे विद्यालयों पर, ऐसे शिक्षकों पर जरूर प्रशासन अलर्ट हो और इन पर कार्रवाई हो, ताकि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिल पाए, ताकि बच्चे जो है, जो कहे भी गए हैं कि देश का भविष्य होते हैं, सही मायने में देश के भविष्य बच्चे होते हैं, उन्हें अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी वो समाज में लोगों को जो है वो शिक्षित कर पाएंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रजनीश कुमार, मिरर मीडिया, देवघर। देवघर में खुला हीरो का एक्सक्लूसिव शोरूम, सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, कई आकर्षक ऑफर्स। हमारा पता नीलकंठपुर बाईपास रोड, बिलासी टाउन, देवघर।